ग्रेटर नोएडा के गांव में लगाए गए भाजपा नेताओं के गांव में प्रवेश पर रोक के पंपले। विधानसभा चुनावों में बहिष्कार के लिए भी लगाए गए पोस्टर। ग्रेटर नोएडा के जेवर विधानसभा के गांव में घर घर पर पंपलेट लगे हुए हैं, जिन पर लिखा है गांव में किसी भी भाजपा नेता और कार्यकर्ता के आने पर रोक है। इसके अलावा कुछ पंपलेट पर लिखा है कि मुकदमे वापस नहीं हुए तो करेंगे चुनावों का बहिष्कार। इस तरह के पंपलेट पूरे गाँव में घर घर में लगे हुए हैं, जिनको की गाँव वालों ने पंचायत करके लगाया है। दरअसल पूरा मामला जेवर विधानसभा के रबुपुरा थाना क्षेत्र के आछेपुर गांव का है, जहां ग्रामीणों ने आज एक पंचायत की और पंचायत में फैसला किया कि अगर उन पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं हुए तो वो चुनावों का बहिष्कार करेंगे और गांव में किसी भी भाजपा नेता और कार्यकर्ता को प्रवेश नहीं करने देंगे। इसके लिए बकायदा उन्होंने पंपलेट छपवाए और उनको पूरे गाँव में घर घर और गाँव के प्रवेश मार्गो पर लगाया गया। दरअसल ग्रामीणों के गुस्से का कारण यह भी है कि बीते 2 अगस्त को गाँव की एक महिला पूनम की रबुपुरा में एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई थी, जिस पर परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया था और डॉक्टर के खिलाफ लिखित में शिकायत थाने में दी थी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन लिखित शिकायत के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था, जिसको लेकर ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया और वो 3 अगस्त को शव को रबुपुरा गोल चक्कर पर रखकर धरने पर बैठ गए थे। लोगों का आरोप है कि करीब 4 घंटे धरने पर बैठने के बाद आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद लोगों ने धरना समाप्त किया था। अब लोगों का आरोप है कि पुलिस ने उल्टा उन्हीं लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। धरना देने पर रबुपुरा कोतावली में 31 नामजद व 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ बलवा सड़क जाम व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने पंचायत का आह्वान किया। पीड़ित सुरेंद्र भाटी ने कहा कि पुलिस आरोपियों को बचाना चाह रही है, अस्पताल की लापरवाही के चलते उनके परिवार के एक सदस्य की जान चली गई, जिसकी न्याय के लिए उन्होंने शांतिपूर्ण धरना दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों को पकड़ने की बजाय पुलिस उल्टा उन्हीं पर फैसले के लिए दबाव बना रही है। फैसले के लिए मना करने पर लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। गुरुवार को इन लोगों ने मुकदमा दर्ज होने के विरोध में एक पंचायत का आह्वान किया और पंचायत में पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही की मांग की। इस मामले में ग्रामीण मुख्यमंत्री और अन्य पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में कार्यवाही की मांग कर चुके हैं। इन लोगों ने मुख्यमंत्री से शिकायत में कहा है कि स्थानीय पुलिस निर्दोष लोगों को फंसा रही है और आरोपियों को बचा रही है। ग्रामीणों ने पंचायत में सर्वसम्मति से 11 लोगों की एक कमेटी बनाई है जो आगे की रणनीति पर कार्य करेगी। पंचायत में चेतावनी दी गई है कि अगर लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं होंगे तो पूरा गांव चुनावों का बहिष्कार करेगा। सभी लोगों ने धरनारत लोगों पर दर्ज हुए मुकदमे की निंदा की और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। आरोपी हैं इसमें जो सम्मिलित हैं, जिन्होंने ऑपरेशन किया है, जो साथ रहे, उन सभी को अरेस्ट करके पुलिस जेल भिजवाने का काम करे और अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो सारे गाँव का ये निर्णय है कि हम पूरे गाँव का ये निर्णय है कि हम भूख हड़ताल भी करेंगे अगर हमको न्याय नहीं मिला तो। थाने को सजा मिलनी चाहिए और ये थाने के जितने भी अधिकारी कर्मचारी सीओ सभी को सस्पेंड यहाँ से किया जाए। आज गांव आछीपुर में हमारे सभी चुनिंदा मौजूदा लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इकट्ठा हुए और सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि जो हमारे 2 तारीख को पिछली 2 अगस्त को जो घटना हुई थी पूनम के साथ, उसका ऑपरेशन के नाम पर झोला छाप डॉक्टरों ने हत्या कर दी गई और एक प्लानिंग के तहत थाने की मिलीभगत से हमारी डेड बॉडी भी और डॉक्टर मुलजिम भी वो भी थाने में ही मिले। हमने 8 बजे थाने में लिखित तहरीर दे दी डॉक्टरों के खिलाफ, उसके बावजूद भी 2 बजे तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई, जिससे रुष्ट होकर पब्लिक ने निर्णय लिया और धरना पर बैठ गई। गांधीवादी तरीका से धरना स्थल पर बैठ गई। उसके बाद रबुपुरा चेयरमैन साहब आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि सीओ पुलिस प्रशासन वो भी चार बजे आए। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आसौलाद की कसम खाकर कहते हैं कि तुम्हारे साथ न्याय होगा। तो अभी आगे क्या करने का प्लान है आप लोगों का, आगे क्या तैयारियां हैं? मतलब ये है कि हमारे साथ में जो अत्याचार हुआ है, एक झोला छाप डॉक्टर ने हमारी पुत्र वधु का, हमारे भाई को, लड़के को ब्लैक मेल करके मर्डर कर दिया ऑपरेशन के नाम पर एक साजिश के तहत, और प्रशासन हमको न्याय नहीं दे रहा है, जबकि हमारे विधायक महोदय भी रोपरा के हैं, दबदबे के आदमी हैं, लेकिन फिर भी हमको न्याय नहीं मिल रहा है। वो आश्वासन देकर चले गए कि तुम्हें न्याय मिलेगा और हमें आज भी न्याय नहीं मिला है। उसके बदले में हम सभी ग्रामीण लोगों ने ये निर्णय लिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में हम, क्योंकि पीड़ित हमारे गांव में इस तरह की 4 घटनाएं हो चुकी हैं,
जिनमें हमारे गांव की एक लड़की का मर्डर कर दिया गया रऊपरा में, एक लड़के का भी मर्डर हो गया है, एक लड़की के साथ में रेप भी हुआ है, तीसरे ये लड़की अब पूनम नाम की इसका बंद कर दिया झोला छाप डॉक्टर ने। तो हम आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव का बहिष्कार करेंगे और यदि हो सका तो भाजपा के खिलाफ मतदान देंगे, क्योंकि इस समय भाजपा सरकार हमको न्याय देने में समर्थ नहीं है। तो हम तो पीड़ित हैं, हम तो जिनको अपना मानते थे वो हमारे नहीं निकले, जिन्हें अपना मतलब यह है कि हमें गैरों ने मारा, हमें अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था, किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। जिनसे हमें न्याय की मिलने उम्मीद थी, जिनके लिए हमने सब कुछ किया, वो लोग ही हमारा साथ देकर छोड़ गए मुसीबत में, और हम न्याय की गुहार कर रहे हैं मोदी योगी सरकार में, जबकि मोदी सरकार एक न्यायप्रिय सरकार है, योगी सरकार एक न्यायप्रिय सरकार है। पूरे देश में दिन है लेकिन हमारे यहाँ तो अंधेरा है, सारे दिन सारे देश में सारे जहां में दिन है मगर हिंदुस्तान में अंधेरा है। तो सारे देश में उजाला है अंधेरा, उजाला है दिन है, लेकिन हमारे यहाँ तो अज्ञानता की रात है। हम आछेपुर इस काली रात का बहिष्कार करेंगे, और इस बहिष्कार के नाते मैं भाजपा कार्यकर्ता बोल रहा हूँ कि भाजपा के चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमें न्याय मिलने पुलिस में। पुलिस ने कितने लोगों के खिलाफ आपके मुकदमा दर्ज किया? पुलिस ने, क्योंकि हम अपने केस को वापस लेने, इसलिए दबाव बनाने के लिए हमारे यहाँ 35 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, और अज्ञात में भी किसी को ठोक से 60 आदमी साथ अज्ञात में है। तो ये सब एक दबाव बनाया जा रहा है हम पर कि हम उस झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ अपने लगाए हुए केस को वापस ले लें, जिसने कि हमारे पुत्र वधु का ऑपरेशन के नाम पर वध किया है। अब आगे क्या प्लान है आपका, क्या? हम स्वतंत्र भारत के नागरिक, हम न्याय चाहते हैं, न्याय मिलना चाहिए हमें। इससे तो अंग्रेजों का शासन था, जो अंग्रेजी शासन में भी यदि कोई मर्डर कर देता था तो उसके आजीवन कारावास या फांसी की सजा मिलती थी, लेकिन आज मर्डर करने वाले हमारे हाल पर हंस रहे हैं, हमारी पुत्र वधू का मर्डर करने वाले लोग हमारे हाल पर हंस रहे हैं, और हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं न्याय के लिए, लेकिन मोदी योगी शासन में हमको न्याय नहीं मिल रहा है। ये बड़ा दुखद मामला है, और इसके लिए शासन और प्रशासन दोनों जिम्मेदार हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।